टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। 17 अगस्त को हुई बिल्डर मुनाफ हत्या मामले में लाखों रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसकी बात सामने आई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोंडी से नदीम नौसाद को गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे की जो राज अभी तक सामने नहीं आई है वो क्या है, अंधेरी इलाके में SRS प्रोजेक्ट का विवाद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिल्डर मुनाफ शेख को अपनी हत्या की आशंका थी, पहले से ही पुलिस को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पुलिस ने इनकी शिकायत पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। बिल्डर मुनाफ 15 अगस्त को नमाज पढ़ने जाते समय चाकुओं से घोक कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुनाफ शेख की हत्या के बाद CCTV फुटेज खंगाला गया, जिसमें एक वीडियो में एक शख्स पहले आता है और फिर बड़ी ही तेजी से भागता है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। आखिर बिल्डर मुनाफ की हत्या के पीछे की क्या असली राज है? हम आपको बता दें, घटना 18 अगस्त की है, यानी सोमवार को जूहू इलाके में 55 वर्षीय मुनाफ बिल्डर की उसके बंगले के सामने ही गला रेत कर हत्या कर दिया गया। आम तौर पर उनके साथ सुरक्षा कर्मी होते थे, लेकिन सोमवार यानी जिस दिन हत्या हुई उस दिन अकेले थे। शेख जैसे ही कार से उतरे पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। आरोपी ने चाकू से उनका गला रेत दिया और उसके बाद आरोपी ने शेख के पीठ और पेट पर कई वार किए थे, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहां पर जो है डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिए। बहरहाल 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में, इस हत्या के मामले में। अब उनसे मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच ने जो है वो एक जो आरोपी था वो गोवंडी से गिरफ्तार की है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हैं और इस हत्या के पीछे जो है बताई जा रही कि पैसे की यानी सुपारी दी गई थी और जिसके बाद आरोपियों ने हत्या किया है। SRS प्रोजेक्ट का नाम है, जहां पर उनका जो है बिल्डिंग का कारोबार था। PSI और अन्य अमलदार के माध्यम से वहाँ पे रेड आयोजित की गई, जिसमें वो पहले मंजिले पे यह आरोपी कैरम खेलते हुए बैठा था। इसको जब टीम पकड़ने के लिए गई तो उसने वहाँ से छलांग लगा के दूसरे घर पे चला गया। वहाँ पे काफ़ी सारे घर के ऊपर से वो अपने भागने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त लखनऊ के टीम ने उसको दर्द पहुँचा। उसी को लेकर जो है ये हत्या बताई जा रही है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।